मैं भी कमा रहा हूं, ये भी कमाए, हम दोनों कमाए। नहीं बिल्कुल नहीं, ये काम नहीं करना, गाड़ मारनी है उसकी, समझ रहा होगा। तो आपको ऐसे बनना पड़ेगा। देखो अगर आज की तारीख में तुम शरीफ हो ना तो तुम अमीर नहीं बन सकते। ये तो मतलब इंतहाई किस्म का, घटिया किस्म का तुम लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या शरीफ इंसान मिलने बन सकता है। दिल कहता जूते मार दो तुम लोगों को, ये बिल्कुल ही फजूल बकवास है कि शरीफ आदमी मिलने बन सकता है। नहीं, शरीफ आदमी इस वक्त इस ज़माने में सिर्फ और सिर्फ लोग उसकी गांड मारेंगे, ठीक है। और वो कितना भी वो कंजूस हो, कितना भी वो रिजिस्ट करे, कितना नहीं भी वो बचने की कोशिश करे बुरे लोगों से, वो नहीं बच सकता। बताऊँ कैसे, बताता हूँ। सपोज करो वो चीज़ देने गया, उसे चीज लोग चीज़ें महंगी देने, सपोज वो किसी होटल में रेंट के लिए स्टे करने के लिए गया, तो जो रिसेप्शनिस्ट वाला जो ऑफिस वाला बंदा होगा, जो फ्रंट डेस्क वाला, उसे पता है ये बेवकूफ़ है, इसको हम 2 रुपये ज़्यादा चार्ज करते हैं। सपोज करो उसे घर चाहिए किराए के लिए, तो किराएदार पता है यार ये शरीफ बंदा है, भोला बंदा है, इसको हम जो पैसे देंगे वो दे देगा। ये मत समझना कि लोग मुझ पर रहम खाएंगे या मुझे अच्छी प्राइस देंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं। लोग तुम्हारी मारने की कोशिश करेंगे, और मारेंगे कैसे, तुमसे पैसा निकलवाएंगे। शरीफ इंसान इस ज़माने में कभी भी अमीर नहीं बन सकता। इस ज़माने में अमीर वही बनता है, वही होता है जो बुरा होता है, जो माफिया होता है। जैसे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अच्छे लोग नहीं है, गवर्नमेंट बेंचो तो एक माफिया है। गवर्नमेंट को चलाने वाले सारे माफियाज हैं। ये 30-40% इतनी हैवी इम्पोस्ड टैक्सेस लगाए गए हैं, तुम्हारा दुकान 10 के बाद बंद होना चाहिए, ये वो हज़ारों रूल्स और रेगुलेशन, लॉ लॉ इस तरीके से बनाया गया है कि तुम लोग अमीर ना बन सको। खुद साले मालो खुद खुद जो हैं वो माल छाप रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रही है माफियाज गवर्नमेंट। तुम कोई भी बिजनेस करो, कुछ भी टैक्स वगैरह, सारा रिस्क जो होता है, लिटरली सारा रिस्क वो एक बिजनेसमैन लेता है। गवर्नमेंट का कोई भी रिस्क नहीं है, लेकिन फिर भी है ना टैक्स से इतना माल बना रही है, और वो टैक्स लोगों को लगता है कि वो आवाम को वापस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है वापस, वो लोग खा रहे हैं सही है, क्योंकि वो लोग हैं, वो लालची लोग हैं। तुम्हारे हाथ में सपोज करो मैं खाना, सपोज करो तुम्हें बहुत भूख लगी है, तुम्हारे यहाँ से टपक रही है, लाल टपक रही है, और तुम्हारे हाथ में प्लेट में खाना रखूंगा। अब तुम दुनिया के कितने भी शरीफ इंसान हो, कुछ भी हो, तुम इंसान हो, तुम्हारे में तलब है खाने की, तो तुम ये नहीं सोचोगे कि ये खाना मुझे लोगों को देना, नहीं तुम करके खा जाओगे, है क्या। सेम गोज फॉर द पीपल, माफियाज ये गवर्नमेंट माफियाज है, इनके इनके यहाँ पैसा आता है, इनको भूख लगती है बहुत, ये नहीं देखते, ये आम खा जाते हैं, और बाद में जो हड्डी बचती है ना वो तुम इंसान लोगों को दे देते हैं, भाई ये लो अब ये चाटो से, और तुम लोग कुत्तों की तरह हड्डी चाट रहे हो, तो इतने बेशरम बेहया लोग हो तुम लोग, कि तुम लोगों में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई इंटेग्रिटी कुछ भी नहीं है, कोई अपनी तुम्हें अब तुम्हारी कोई पहचान ही नहीं है। तो शरीफ इंसान नहीं बनना, कभी भी शरीफ नहीं बनना, तुम्हें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, तुम्हें अलग बनना पड़ेगा, तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जब तुम करोगे ना तो लोग तुम्हें बोलेंगे क्या कर रहे हो, जुतिया पे कर रहे हो, पढ़ाई कर लो, छोड़ लो ये सारी चीज़ें, क्यों ज़रूरत है करने की, क्यों पंगे ले रहे हो। पता है क्यों लोग तुम्हें ऐसा बोलते हैं? बिकॉज वो चाहते हैं कि तुम हमारी तरह रहो, हमारी तरह ज़मीन पे रहो, हमारी तरह ज़मीन पे सो। कोई भी नहीं चाहता कि यार मैं गरीब हूँ और ये ऊपर चढ़ा, नहीं तो वो तुम्हें टांग पकड़ के नीचे करेगा। ये एक बहुत ही गंदी आदत है लोगों की। तो अगर तुम शरीफ इंसान हो और तुम सपने देख रहे हो मिलियनेयर के, तो तुम कभी भी नहीं बन सकते। तुम्हारी जंग है ये दुनिया, ये क्या है, ये एक वॉर है, एक जंग है, ये लाइफ इज़ अ वॉर, बिजनेस इज़ अ वॉर। और अगर तुम्हें वॉर में, अगर तुम्हें जंग में लड़ना है, सिपाही बनना है, तो तुम्हें बुरा बनना पड़ेगा। मैं एक बुरा इंसान हूँ, मैं बोलते ही नहीं मैं अच्छा इंसान हूँ, किसने बोला मैं पवन कोटक अच्छा इंसान, मैं हूँ ही बुरा इंसान हूँ, मैं क्यों अच्छा बनूँ, मुझे अच्छा बनने का है ही नहीं, मुझे पैसे चाहिए, उस अच्छा उसे पैसे को बनाने में बुरा बनेगा, क्यों मैं बुरा बनूंगा। और बुरा एज इन सेंस कि तुम्हें ईविल, जैसे ट्रैवल उबर का मालिक ट्रेवल्स, ही वॉज अ ईविल जीनियस। उसमें अब एप्पल के लॉज होते हैं कि भाई अब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। वैसे कानूनी तौर पे तो आपको किसी की प्राइवेसी ब्रीच नहीं करनी चाहिए, किसी का आपको डेटा नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको पता है आपका सारा डेटा फेसबुक के मार्क के बाद, व्हाट्सएप सारी कन्वर्जेशन, आपका जो भी मोबाइल में डेटा, हर चीज़ वो पब्लिक है, आपका डेटा सेल हो रहा है लोगों के पास, आप जो ये कंपनीज हैं इनके पास आपका डेटा है, आप क्या मैसेज करते हो, क्या आता है, एवरीथिंग इज ट्रैक्ड, आपकी हर चीज़ ट्रैक है। हालांकि गलत है, लेकिन कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इन्हें पैसा बनता है सब। और पैसा कैसे बनता है, सपोज आपको कोई टीवी चाहिए तो आपको टीवी की एड्स आती हैं, आपको सोफा चाहिए वो सोफा की एड आती है, बिकॉज वो इतनी टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ चुकी हैं कि उन्हें किसी न किसी तरीके से तुमसे पैसा बाहर चाहिए। और ये सब कुछ स्कैम है, ये सारी दुनिया एक स्कैम है,
ये जो इंश्योरेंस है ये स्कैम्स हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, और कौन सी इंश्योरेंस है यार, हज़ार इंश्योरेंस है भैया। हेल्थ हो गई आपकी, लिटरली हर चीज़ की ये इंश्योरेंस लेते हैं, बिजली की इंश्योरेंस, घर की इंश्योरेंस, लिटरली एवरीथिंग इंश्योरेंस इंश्योरेंस इंश्योरेंस। तो ये इंश्योरेंस मत लो, इंश्योरेंस का कोई फायदा नहीं, ये इंश्योरेंस बकवास है, ये इंश्योरेंस एक स्कैम है, इन स्कैम से बचो। तुमने कोई इंश्योरेंस नहीं लेनी। तो अब तुम्हें शरीफ नहीं बनना, तुम्हें तुम्हें बुरा बनना है। ऐसा नहीं कि तुम्हें किसी का खून करना है, किसी को बुरा फील कराना है, नहीं, तुम्हें बिजनेस में बुरा बनना है। अच्छा, तुम्हें तुम्हें ब्रांड लॉन्च करना है, तुम्हें कंपनी लॉन्च करनी है। अच्छा, मेरा मेरा कंपटीशन इनके साथ है। अच्छा, इनकी कंपनी ऐसे परफॉर्म करी है, अब मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मेरे से अट्रैक्ट हों और इसकी मैं इसको मैं बिजनेस से आउट कर दूं। ऐसे तुम्हें बुरा बनना पड़ेगा, ऐसा नहीं बनना। अरे नहीं यार, मैं भी कमा रहा हूँ, ये भी कमाए, हम दोनों कमाए, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये काम नहीं करना, गाड़ मारनी है उसकी, समझ रहा हो? तो आपको ऐसे बनना पड़ेगा। आप कितना भी कोशिश करो ना शरीफ बन के, शरीफ आपको कभी जिंदगी आप कभी बड़ी नहीं पाएगा। शरीफ इंसान सिर्फ जॉब करेगा, वो गुलाम होगा, वो कुत्ता होगा बॉस का, वो जो बॉस बोलेगा उसकी सुननी पड़ेगी, उसके पास कोई और की चारा ही नहीं है, बिकॉज अपने खर्चे पूरे करने, उसका कोई है ही नहीं आगे पीछे। तो लाइफ में कभी भी शरीफ नहीं बनो, अपने लिए सोचो, बी सेल्फिश। शरीफ कैन नेवर बी अ मिलीनियर, और तुम अगर शरीफ हो तो शरीफ मत बनो, कोई ज़रूरत नहीं। शराफत का ज़माना गया, किसी की हेल्प करना दूसरी बात है, पर शराफत का ज़माना नहीं रहा अगर, और सच बोलने का ज़माना भी नहीं रहा। आज के ज़माने में अगर तुमने सच बोला ना साले, तो तू जेल में होगा, तुमने सच बोला ना जेल, सही है? तो तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा। अब तुम लोग बोलेगा पवन भाई पब्लिक प्लेटफॉर्म आके झूठ बोलना सिखा रहे हैं। भाई मैं झूठ बोलना नहीं सिखा रहा, मैं तुम्हें अमीर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हारे साथ नुकसान ना हो, मैं चाह रहा हूँ कि तुम गलत सोहबत में, गलत फ्रेंडशिप में ना रहो, मैं चाह रहा हूँ कि तुम अच्छी दोस्ती रखो, अच्छे लोगों के साथ घूमो, बिजनेस स्टार्ट करो अपने। शरीफ रहने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई तुम्हें लूटने की कोशिश करता तो उसकी गांड मार दो भोसड़ी के। तुमने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे चूतिया बनाने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये चार की चीज़ मुझे आठ में देने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, समझ लो? बिकॉज लाइफ में दो चीज़ें हैं, या तुम उसकी गांड मारो या मरवाओ, चॉइस इज योर्स, उसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सो स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड मेक मी प्राउड।